सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और आज हमारा ये सेकंड पार्ट रहेगा। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं, चाहे आपने यूपीएससी के लिए या एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए या फिर किसी टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। आपके हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, कोची में इसका आयोजन किया गया, विश्व आयुर्वेद महोत्सव 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई? ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य में मार्च 2020 में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हमें उस राज्य का नाम यहाँ पर बताना है कि कौन से राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, सभी के लिए खुशी एक साथ। सभी के लिए खुशी एक साथ, यह अंतर्राष्ट्रीय जो हैप्पी डे होता प्रसन्नता दिवस था 2020 का, उसकी थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या था? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम हमें बतानी है कौन सी थी। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, मैं जनरेशन इक्वेलिटी, महिलाओं के अधिकार को महसूस कर रही हूँ, यह थीम थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में रांची विश्वविद्यालय ने किस नाम से अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया है? क्वेश्चन में हमें क्या बताना फ्रेंड्स, देखिए रांची विश्वविद्यालय के द्वारा कौन से सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रारंभ किया गया, क्या नाम है वो हमें बताना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, रेडियो खांची। रेडियो खांची इस नाम से अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया है रांची विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? हमें इंडिया की पोजीशन बतानी है रैंकिंग की 2020 में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया है विश्व खुशहाली सूचकांक 2020, इसमें भारत की पोजीशन क्या रहेगी। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 144 नंबर पर भारत की रैंकिंग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से असेंबल की गई प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सी है? जो हमारी स्वदेशी रूप से असेंबल की गई है, मतलब अपने ही देश में उसे असेंबल किया गया है, वो पहली सुपर कंप्यूटर कौन सी है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, परम शिवाय। परम शिवाय राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से असेंबल की गई प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ओके फ्रेंड्स, आंसर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में पहली बार किसी राज्य के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोग्यता याचिका के आधार पर हटाया गया, यह मंत्री किस राज्य के थे?
ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, मणिपुर। मणिपुर राज्य के जो मंत्री हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोग्यता याचिका के आधार पर हटाया गया और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के मंत्री को अयोग्यता याचिका के आधार पर हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, स्वीडन। स्वीडन देश समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में टॉप पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2020 में जारी सीप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की रही है? आपको क्या बताना है, देखिए वैश्विक हथियार आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले देश का नाम बताना है जो कि मार्च 2020 में जारी सीप्री रिपोर्ट के अनुसार है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, सऊदी अरब ही उस देश का नाम है जिसने मार्च 2020 में जारी सीप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, महिला T20 विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? यहाँ पर क्या बताना हमें, देखिए महिला T20 जो वर्ल्ड कप है 2020 में हुआ उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया, हमें उस प्लेयर का नाम बताना है। ऑप्शन सी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, बेथ मुनी। बेथ मुनी जो क्रिकेटर है महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 में इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्वविद्यालयों की QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में शामिल 5 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा, IIT मद्रास 88। ये जो रैंकिंग दी गई है विश्वविद्यालयों के QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अकॉर्डिंग, ये हमारे यहां पर गलत ऑप्शन हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स कौन सा मिलान आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंजाब सरकार के द्वारा धार्मिक व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित करने के निर्णय के तहत निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? हमें उस मैचिंग को छांटना है जो कि रोंग है, ठीक है फ्रेंड्स, और ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगी, उधम सिंह लुधियाना, ये हमारे यहाँ पर रोंग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सेकादकर समिति जिनकी सिफारिशों को हाल ही में लागू किया गया इसका संबंध किससे है? हमें सेकादकर समिति का संबंध बताना है किससे है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी सिफारिशों को हाल ही में लागू किया गया तो किससे संबंधित है सेकादकर समिति, हमारी ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगी, सीमा अधोसंरचना से। सीमा अधोसंरचना से हमारी ये सेकादकर समिति जो है वो संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो सिफारिशें थी इनको हाल ही में लागू भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, COVID-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाले दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बुंदेसलीगा का संबंध किस देश से है? कौन से खेल आयोजन की बात की है फ्रेंड्स यहाँ पर, बुंदेसलीगा, इसका संबंध कौन से देश से, हमें उस देश का नाम बताना है जो कि COVID-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला जो प्रमुख गेम है, प्रसिद्ध गेम है वो माना जाता है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, जर्मनी ही वो देश है जहाँ पर COVID-19 लॉकडाउन के बाद फिर से दुनिया के प्रसिद्ध इस खेल का आयोजन शुरू हुआ और इस खेल का नाम है फ्रेंड्स बुंदेसलीगा, ठीक है, किस देश से संबंधित हो जाएगा, जर्मनी से, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित भारत के पहले जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर, भारत के पहले जीवित पाक कला संग्रहालय इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है तो कौन से राज्य में यह स्थित है वह हमें बताना है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, कर्नाटक राज्य में स्थित है भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2019 में भारत के किस शहर में सर्वाधिक डिजिटल लेन देन हुआ? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, बंगलुरु में। 2019 में भारत के बंगलुरु शहर में सर्वाधिक डिजिटल लेन देन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 2019 में भारत में डिजिटल लेन देन का सर्वाधिक पसंदीदा तरीका कौन सा रहा, कौन से वे से डिजिटल पेमेंट सबसे ज्यादा की गई वो हमें यहाँ पर बताना है।
ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। यूपीआई भुगतान 2019 में भारत में डिजिटल लेन देन के लिए सर्वाधिक पसंदीदा तरीका रहा यूपीआई पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में निम्न में से किसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, इसलिए हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम क्या था। तो इसका थीम क्या रहा, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने पतंजलि पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, 75 करोड़, 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण के द्वारा, और किस पर लगाया गया है, पतंजलि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, हैदर नाइट, वह किस देश की, वह हमें बताना है। हैदर नाइट कौन से देश की है फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश की प्लेयर है हैदर नाइट, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाया है, और शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है हैदर नाइट, जो कि इंग्लैंड देश की है। हमारी ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसको नामित किया गया। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, रुचिका तोमर को। रुचिका तोमर को पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020, ठीक है फ्रेंड्स, किसे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार के द्वारा, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, सर्वानंद सोनोवाल, इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, गोवा राज्य ही भारत का वह राज्य है जहाँ पर कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा, कोविड-19 के मरीजों की देखभाल में, जो कि आयुर्वेद की मेडिसिन का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सेटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, कृष्णा स्वामी वी के द्वारा सेटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है। किसके बारे में बताना है, प्रसार भारती के द्वारा पुराने टीवी प्रोग्राम को दिखाने के लिए जो नया चैनल लॉन्च किया गया है, उस चैनल का हमें बताना है कि कौन सा चैनल है जिस पर प्रसार भारती के द्वारा ओल्ड टीवी प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डीडी रेट्रो। तो कौन सा नया चैनल हो जाएगा, डीडी रेट्रो, इस पर प्रसार भारती के द्वारा पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। पुराने टीवी प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए ही इस नए चैनल का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस जियो में, और किसने इसको खरीदा, वो हमें बताना है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, फेसबुक के द्वारा रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारे भारत का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सैनिटाइजर टनल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन डी यहां पर हमारी करेक्ट हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? ऑप्शन डी यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाएगी, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, मणिपुर राज्य के द्वारा जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को प्रारंभ किया है? हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, राजस्थान। राजस्थान राज्य के द्वारा ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में गूगल ने किस नाम से ब्रेल कीबोर्ड को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, टॉकबैक। टॉकबैक के नाम से गूगल के द्वारा ब्रेल कीबोर्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने अप्रैल 2020 में मोदी किचन को प्रारंभ किया है? ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगी, तमिलनाडु राज्य के द्वारा अप्रैल 2020 में मोदी किचन को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में जारी यंगेस्ट बिलियनियर्स की सूची में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगी, काइली जेनर। काइली जेनर जो है, इनको फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में जो जारी की गई है एक लिस्ट, उसमें यंगेस्ट बिलियनियर्स की सूची में शीर्ष नंबर पर बताया गया है काइली जेनर को। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने 9 मई 2020 को कितनी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया? किसके द्वारा किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। और कब परिचालन किया गया? 9 मई 2020 को। कितनी क्षमता का ये इलेक्ट्रिक इंजन है वो हमें बताना है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 12,000 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 21 मई 2020 को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के निर्माताओं में भारत किस स्थान पर आ गया है? ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, दूसरे नंबर पर भारत की पोजीशन है। 21 मई 2020 को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, जिसे PPE कहा जाता है, उसका निर्माण करने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या थी? ऑप्शन सी यहां पर हमारी करेक्ट हो जाएगी, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, यह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई? ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और किस लिए घोषणा की गई? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ करेक्ट रहेगी, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज था ये, जिसकी घोषणा की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा निम्न में से किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? किसके द्वारा पूछा है फ्रेंड्स? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, कौन से मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है, हमें उस मंदिर का नाम बताना है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी, कोणार्क सूर्य मंदिर को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 एथलीटों की फोर्ब्स सूची 2020 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? कौन से एकमात्र भारतीय हैं जिनको फोर्ब्स की सूची 2020 में 100 एथलीटों में शामिल किया गया है, जो कि सर्वाधिक कमाई करने वाले प्लेयर्स हैं? ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगी, विराट कोहली को फोर्ब्स सूची 2020 में शामिल किया गया है। ये एकमात्र भारतीय हैं जो कि सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 एथलीटों में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस स्थान पर लुप्त प्राय समुद्री खीरे सी क्यूकुम्बर इसके लिए दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लुप्त प्राय समुद्री खीरे, जिसे सी क्यूकुम्बर भी कहा जाता है, इसके लिए दुनिया का पहला जो संरक्षण क्षेत्र है उसको बनाने की घोषणा की गई है।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस दौरान जारी दिशा निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन बी हमारी यहां पर करेक्ट हो जाएगी, लॉकडाउन 2.0। इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक अपराध घोषित किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने सेकंड पार्ट में 100 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक, रेलवे या फिर टीचिंग एग्जाम, आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।